Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Pause Fitness. Hope you all are doing great. आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बॉडी वेव वर्कआउट. So now let's get started. अभी हम करने वाले हैं वार्म अप. तो सबसे पहले हिप रोटेशन करना है 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज. कंप्लीट 10 टाइम्स. जैसे आपके 10 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट वन हम करेंगे नी रोटेशन. सो सेम 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको नी को रोटेट करना है. एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो वार्म अप बहुत ही ज़रूरी है. जॉइंट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है. सो नेक्स्ट वन साइड टू साइड मूव, साइड टू साइड ब्रीद इन सेंटर ब्रीद आउट साइड. टोटल 20 रेप्स आप आराम से कर सकते हो. नाउ शोल्डर रोटेशन 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज. और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप हाथों को ऊपर लेके जा रहे हो कान के पास से लेके आना है. ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप शोल्डर को रोटेट कर रहे हो. सो नेक्स्ट वन लेग्स के लिए हम वार्म अप कर रहे हो. टैप साइड टू साइड, ये भी आप 20 टाइम्स आराम से कर सकते हो. सो टैप आउट एंड ब्रीद आउट, डू इट 20 टाइम्स. नेक्स्ट वन टच योर नी टू एल्बो. तो सबसे पहले आपको अपनी एल्बो को टर्न करना है और सेकेंड स्टेप है नी को ऊपर उठाना है. सो जब आप कॉम्बिनेशन में करोगे मूव योर एल्बो, नाउ लिफ्ट नी अप एंड टच. सो सेम आप करोगे ऑल्टरनेट साइड के साथ में. सो फर्स्ट टर्न योर अपर बॉडी देन लिफ्ट नी अप. टोटल 20 रैप्स 3 सेट्स ये आप करने वाले हो. यहाँ पे हम लोग एक साथ करने वाले हैं 20 रैप्स ओनली. जैसे ही आपके 20 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको 5 सेकंड रेस्ट लेनी है. उसमें आप नॉर्मल ब्रीदिंग करोगे ताकि आपके ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाए. अगर आपको थोड़ा सा कार्डियो में गए हो तो उसके लिए रिवर्ट पैक होने के लिए सबसे बेस्ट है ब्रीद इन ब्रीद आउट. अभी थर्ड एक्सरसाइज हम करने वाले हैं जंप एंड स्टेपिंग. सो सबसे पहले आप लाइट लाइट जंपिंग करोगे एंड उसी के साथ स्टेप चेंज कर रहे हो. सो नाउ अब हम थोड़ी सी स्पीड कैच करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. टोटल 25 रेप्स, डू विद मी. ये आपके ऊपर है कि आप कितनी इंटेंसिटी से कर सकते हो, कितने रेप्स कर सकते हो. लेकिन आप अगर मेरे साथ करो 25 रेप्स कंप्लीट करने की कोशिश करनी है एंड उसके बाद में थोड़ा रेस्ट लेना है ताकि आप अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर पाओ. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउ हैव अ रेस्ट एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट. सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्रॉस योर लेग्स एंड क्रॉस आउट. इसमें सबसे पहले लेग्स को क्रॉस करना है एंड क्रॉस आउट. ब्रीद इन जब आप क्रॉस कर रहे हो, ब्रीद आउट जब आप क्रॉस आउट कर रहे हो. सो आप इसको आप थोड़ी सी स्पीड में करोगे, सेम 20 रेप्स. सो नाउ कंटिन्यू. जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप 10 सेकंड रेस्ट ले सकते हो या फिर सेकंड ऑप्शन है ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 टाइम्स. दोनों में से कोई भी चीज़ आप करो. मेन मोटिव है आपका कि आप ब्रीदिंग को नॉर्मल करोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लेग को ऑपोजिट साइड में लेके जाएंगे. लेफ्ट लेग को राइट साइड लेके आना है एंड राइट लेग को लेफ्ट साइड. ये इजी पोस्चर है. अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी ऐड कर सकते हो. अगर आप जंपिंग के साथ में शिफ्ट कर रहे हो तो आप सिंगल स्टेपिंग पे डबल लेग मूव करोगे और सेम विद द ऑपोजिट वन. तो ऐसे आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो. लेकिन अभी मैं कर रही हूँ सिंपल, जिसमें हम विदाउट जंपिंग लेग को ऑपोजिट साइड मूव कर रहे हैं और ये भी 20 रैप्स करने हैं. आप चाहो तो अपनी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज कर सकते हो 30 रैप्स तक. बट अगर बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हो तो 20 रैप्स से शुरू करना और दो सेट करने की कोशिश करनी है आपको. और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं बनाना है. जितना आपकी बॉडी अलो कर रही है उस अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में आप करोगे. सो नाउ हैव रेस्ट फॉर 5 सेकेंड्स.
नेक्स्ट वन विल डू वर्पी, सो वर्पी विदाउट जंपिंग। दिस इज सिंपल एक्सरसाइज जिसमें आप नीचे लेके आ रहे हो हैंड्स को, लेग बैक, पुश अप पोजीशन, स्टेप इन एंड कम अप, ब्रीद इन अप, डाउन, ब्रीद आउट एंड सेम डू इट 15 टाइम्स। अब सेकंड एसी का सेकंड वर्जन है जिसमें आप स्टेपिंग की बजाय जंपिंग यूज कर रहे हो, सो ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, डाउन, जंप बैक, जंप फॉरवर्ड, जंप बैक, कम अप, कम डाउन। सो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस बनाना चाहते हो तो आप जंपिंग के साथ बहुत आराम से कर सकते हो, सो डू इट 15 टाइम्स। अभी आप करोगे 10 सेकंड के लिए रेस्ट, उसमें ब्रीदिंग नॉर्मल करनी है, हैव अ डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डू इट 5 टाइम्स। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको अपने नीज के ऊपर आना है, अब राइट लेग से लेफ्ट हील टच करनी है एंड लेफ्ट हैंड से राइट हील टच करोगे, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ऑपोजिट साइड टच करने में तो आप सेम साइड टच कर सकते हो, राइट लाइक राइट हैंड से राइट साइड एंड लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस लेवल पे हो, तो जितने आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उस हिसाब से करना है, बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर किसी को नी में इशू है तो वो इस चीज़ को अवॉइड करेगा। जैसे आप पहले नी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करो, उसके बाद अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप इस पोजीशन में आओगे, अदरवाइज ये पोजीशन आपको अवॉइड करनी है, बिकॉज एक्सरसाइज आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो, तो दिस इज़ अवर मेन मोटिव। नाउ डू इट 15 टाइम्स देन रिलैक्स। अब यहाँ पे आप चाइल्ड पोज में आ सकते हो, जिस चाइल्ड पोज जिसमें आप वज्रासन में लाई डाउन पोजिशन में आ रहे हो, तो रिलैक्स है वो 10 सेकेंड्स। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर स्टमक, इसमें हम करेंगे रिवर्स क्रंचेस। तो सबसे पहले जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करनी है कि आपका चिन अप होना चाहिए, अगर आपका चेस्ट टू चिन टच हो रहा है तो सर्वाइकल का इश्यूज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अभी आप कर रहे हो रिवर्स क्रंचेस, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें आप लेग को नीचे लेके आ रहे हो और फोल्ड कर रहे हो, स्ट्रेट कर रहे हो। सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड एक्सरसाइज में आप दोनों लेग्स को हवा में रख रहे हो, सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट से साइमल्टेनियसली टोटल आप करोगे 15 रैप्स, और ये आपके ऊपर है कि आप 15 के दो सेट कर सकते हो तो सबसे अच्छी बात है। नाउ रिलैक्स फॉर 10 सेकंड्स, एक सेट हो जाने के बाद 10 सेकंड रेस्ट एंड सेकंड सेट होने के बाद 20 सेकंड रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वन अभी हम कवर करेंगे साइड को, साइड के एक्सरसाइज के लिए आपको एक लेग आगे लेके आनी है, दूसरी लेग को पीछे लेके जानी है, तो दो लेग आपकी ग्राउंड के क्लोज है, उसको आगे रखोगे और ऑपोजिट हैंड को ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट का जो ऑपोजिट, तो आप ऑब्लिक्स पे काम कर रहे हो 15 ईच साइड। तो ब्रीद इन, टेक अ हैंड बैक, ब्रीद आउट, टच योर टो, डू इट 15 ईच साइड एंड देन रिलैक्स, रेस्ट फॉर 10 सेकंड्स। नाउ सेम विद द ऑपोजिट साइड, कंप्लीट 15 रैप्स। सो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लोअर बैक के लिए। सो सबसे पहले हम बैलेंसिंग के साथ में लोअर बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें आपको लेग स्ट्रेट करनी है, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, डाउन, ऑल्टरनेट लेग के साथ में करोगे 10 ईच साइड, टोटल 20 रेप्स। और इसमें जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप लेग स्ट्रेट कर रहे हो हिप के साथ में एक लाइन में लेके आना है आपको लेग को, एंड आपका नेक का पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, ना तो आप चिन डाउन करोगे ना ही हेड डाउन करोगे, सो बैलेंस योरसेल्फ, और आपके हाथ शोल्डर के नीचे होने चाहिए
हिप के साथ में थाइस एक लाइन में होने चाहिए। सो कंप्लीट 20 रैप्स। और अब इसका सेकंड पोर्शन है, सेकंड एक्सरसाइज है, जिसमें आप एक ही लेग से 10 ईच साइड कर रहे हो, लाइक आप नीचे टच नहीं कर रहे हो, जस्ट गेट डाउन एंड टेक इट अप। सो 10 ईच साइड, जैसे एक साइड से कंप्लीट हो जाएगा, देन सेम विद द अपोजिट साइड। That's all for today's video. See you soon in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye. And don't forget to subscribe my channel. Bye-bye. See you soon.